सो so, आज के सेशन में वी आर वर्किंग ऑन द एक्सरसाइज 7 बी जो आपको सामने दिख रही होगी नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट सो गिव द प्रिंसिपल्स ऑफ सबसे पहले है हाइड्रोलिटिक मेथड फ्रॉथ फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब हम ये वाले सेपरेशनस करते हैं एज अ कंसंट्रेशन ऑफ और की प्रोसेस में तो किस लॉजिक के ऊपर ये बेस्ड है व्हाट प्रिंसिपल आर वी यूजिंग सो द आंसर इज राइट हियर ट so, करते हो सो वॉट यूर डूंगर पार्टिकल्स डाउन लाइटर वन विल फ्लो विदर एंड गेट से हम um, you, कि तो गे टॉक अबाउट

बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ओर गेट एंड जैसे आप उसके ऊपर बाकी रिएक्शन करते हो तो यू ऑल्सोट इट अगेन देखो जो समझ में नहीं आए एंड इफ यूर फेसिंग इश्यूज या कोई डाउट आ रहा है मेक श्योर दैट यू रीच आउट टू मी एंड रीच आउट क्लासेज आईसी से

लीक्वेशन एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग स्टूडेंट दीज क्वेश्चन डायरेक्ट जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसमें से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन उठा के इन क्वेश्चन में आपको लिखनी है दे इज न्यू आई एम टेलिंग ठीक है तो जो कुछ भी ऐसा लगेगा कि मुझे ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना है आई विल डू दैट बट यू नीड टू अंडरस्टैंड की डायरेक्ट नेम्स ऑफ द प्रोसेस नेम ऑफ द फ्यू थिंग्स अभी तक हम डिटेल क्वेश्चन में पहुंचे ही नहीं है ओके

तो जो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है इट चेंजेस टू पिंक ब्राउन एंड कॉपर एंड हाइड्रोजन इज रिलीज्ड ठीक है कॉपर अलग हो जाता है एंड हाइड्रोजन इज रिलीज्ड सॉरी वाटर इज रिलीज टू नॉट हाइड्रोजन नाउ कंपेयरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, सो दोनों का कंपैरिजन है डिड आई मिस अ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4th में टली रिएमेंट एज ऑक्सीजन सल्फर फॉर्मिंग आयरन ऑक्साइड एंड जिंक सल्फाइड अपनाचर नैक्ट क्वेश्चन इज अस बन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन तो रोस्टिंग तो सबसे पहले आपको ये समझ याद रखना है की रोस्टिंग सल्फाइड ओर पे होती है कैल्सिनेशन कार्बोनेट वाले ओर पे होती है ठीक है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपका रोस्टिंग है उसमें आप एयर प्रोवाइड करते हो एयर में ऑक्सीजन है सो दिस हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बट कैल्सीनेशन वाले पार्ट में इट हैपेंस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ठीक है तो आप इसमें एयर की सप्लाई कट आउट करते हो तो लेट्स रीड इट द ओरे इज हीटेड इन द एक्सेस ऑफ एयर जनरली सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड सो SO2 इज गिवन ऑफ द एग्जांपल ZnS प्लस ऑक्सीजन गिव्स ZnO प्लस SO2

हाउ इज कॉन्ट्रेटेड और बेसिकली आपको दो तीन स्टेप्स जिंक के बारे में बताने हैं ये टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में जिसमें वो आपसे जिंक के बारे में पूछ सकते हैं तो इसमें क्या है आपको और पता होना चाहिए आप उसमें से इम्प्योरिटी है उसे किस प्रोसेस से निकालोगे और तीसरी चीज आप उसको किस प्रोसेस से आगे ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे आप रोसिंग यूज करोगे कैल्सिनेशन यूज करोगे

उन्हें पेरेंट्स का टारगेट है कि आपकी जो दोस्ती आपको खराब कर रही है आपको मैं अलग कर दू ताकि आपकी प्योरिटी इंक्रीज हो आपकी प्योरिटी मतलब योर योर सक्सेस सक्सेस रेट आपकी आपकी आपका हार्ड वर्क ठीक है तो आपको प्योरिफाय करने के लिए इट इज कि जो फालतू फालतू की दोस्ती है उसको छोड़ा जाए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इजीली इस दोस्ती को छोड़ देते हैं तो वो है आपके मॉडरेट मेटल्स एंड लो लाइंग मेटल्स जो इजीली अपनी दोस्ती तोड़ सकते हैं घर वालों से डर के ठीक है तो ये आराम से रिड्यूस हो जाते हैं मतलब रिडक्शन फ्रॉम पेरेंट्स जो बहुत ही ढीठ बच्चे हैं जिन्हें बहुत मारपीट भी करके देख घर वालों ने कुछ भी करके देख लिया पर ये फिर भी दोस्ती बना बना के रखते हैं फिर भी इम्पैक्ट दिखाते हैं उन ऑक्साइड्स को वो ऑक्साइड का मतलब ये है कि दीज मेटल ऑक्साइड्स कैन नॉट बी रिड्यूसड बाय कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन मोनो ठीक है सो so ये कौन से मेटल्स हैं ये बिल्कुल टॉप लाइन मेटल्स होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ही तेज और बहुत ही तेज बच्चे ठीक है है, जिन्हें अपने फायदे वाली चीजों से से मतलब तो विल बी योर सोडियम इनके जो हैं, ये आप रेगुलर रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प रिड्यूस नहीं कर सकते। उसके पूछा है, की so ये दोनों बता देती हूँ आपको द मेटल्स इन कॉपर एक्सेट्रा आर मॉडरेटली रिएक्टिव एंड फाउंड एज सल्फ और कार्बोनेट्स इन नेचर

प्लस हाइड्रोजन आपने उसे हीट प्रोवाइड करी आपके पास आया कॉपर दैट वाज पिंक ब्राउन और वाटर वेपर्स मूविंग ऑन टू द नाइन्थ क्वेश्चन हाउ आर द फॉलोइंग मेटालिक ऑक्साइड्स रिड्यूस्ड राइट इक्वेशंस सो सबसे पहले आयरन ऑक्साइड तो FeO कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस हो सकता है यू गेट आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन

और क्या प्रोसेस सबसे ज़्यादा रहेगी तो गेट आउट मैक्सिमम ऑफ़ द मेटल, ठीक है? लेट्स लुक एट रहेगीट्रा आर मॉडरेटली रियक्टिव मॉडरेटली रियक्टिव मतलब अच्छा एक बॉन्ड बना के स्टेबिलाई होकर रह सकते हैं तो इनको आप रेगुलर रिड्यूजिंग एजेंट से रिड्यूज कर सकते हो

Which does not get reduced by regular reducing agents. Now, question number eleven. An ore on heat, a, uh, on an ore being heated in air forms sulphurous anhydride. Write the process used for the concentration of this ore. Sulphurous anhydride here to acid बनेगा पानी An ore on being heated in air forms sulphurous anhydride. Write the process used for the concentration of this ore. So froth flotation used

कि ये वाले जो मेटल्स हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं ये अपने जब ऑक्साइड बनाते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉगली उस होल्ड करके रखते हैं तो आप इन्हें रेगुलर रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे करोगे इनके इनके साथ आप इनके साथ आप आप की प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करोगे मतलब अगर सब कुछ अपना के देख लिया पेरेंट्स ने तो एट दी एंड पेरेंट्स क्या करेंगे पे दोनों ही पेरेंट्स एकदम स्ट्रिक्ट होके दोनों बच्चों को अलग अलग शहरों में हॉस्टल्स में भेज देंगे

उसी को मेल्टेड फॉर्म में यूज़ करेंगे ताकि और कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो और कोई भी आपके सोडियम चला गया उसने वहां पे अपना इलेक्ट्रॉन एक दे दिया एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और सोडियम बन गया एक आपका जो क्लोरीन है वो एनोड पे चला गया उसने वहां एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और सीएल बन गया तो से...

अगर इनके अलावा कोई भी आपका आयन प्रेजेंट होगा तो उसको प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज मिलेगा क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होते हैं उनको प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज मिलता है और अगर डिस्चार्ज हुआ और आपका सोडियम ही आपको नहीं मिला तो क्या फायदा इसे डिस्चार्ज का इसी वजह से आप और कोई भी आयन ऐड नहीं करते आप पानी तक ऐड नहीं करते क्योंकि अगर पानी भी ऐड हुआ तो सोडियम के आगे एन ए प्लस के आगे हाइड्रोजन डिस्चार्ज हो जाएगा तो आपका जो मेन पर्पज है इलेक्ट्रोलिस करने का वही सॉल्व नहीं होगा ठीक है मूविंग ऑन टू पोटासम इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करेंगे हम इसमें वील यूज द इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज ब्रोमाइड तो पोटासम ब्रोमाइड मतलब के बी आर के प्लस प्लस बी आर माइनस कैथोड पे गया पोटासियम एनोड पे गया ब्रोमिन उसने वहां पे बनाई ब्रोमीन गैस बी आर टू ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर गिव इक्वेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड पूछा है मतलब सारी रिड्यूसिंग दे दो कॉपर है सॉरी कॉपर ऑक्साइड को कॉपर से रिड्यूस करा कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस करोजन तो से रिड्यूस कर तो बाकी सब सेम आयरन ऑक्साइड एफ टू ओ थ्री प्लस टू ए एल गिव एफ एल टू ओ थ्री प्लस हीट इसमें काफी हीट प्रोड्यूस भी होती है नेक्स्ट इज लेड ऑक्साइड लेड ऑक्साइड सिंपल PbO plus कार्बन गिव्स Pb plus कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो वाटर निकलेगा रेस्ट एवरीथिंग स्टेज द सेम जिंक ऑक्साइड ZnO plus ओ प्लस कार्बन एट फोर्टीन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस गिव्स जेड एन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ए पार्ट ऑन विच फैक्टर्स डज

Metal ions uh, added to the increased conductivity. On passing electric current, metal ions are reduced to metal at the cathode. Equivalent mass of anode dissolves from the anode and goes into the solution at metal ions. At anode, m minus number of electrons, m n plus. Cathode, m n plus, plus n electrons, so m. m is a metal here. Pure metal deposits at cathode while impurities.

नॉट necessarily कि बुक की लैंग्वेज ही छापो बिल्कुल ऐसी नहीं चाहिए अपनी लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन कर दो इलेक्ट्रोड क्या है और आपका कैथोड क्या, क्या है मतलब इलेक्ट्रोड कौन कौन से हैं और आप अपनी इक्वेशन अच्छे से समझा दो तो ये सब भी चल जाएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए एक्सप्लेनेशन चल जाएगी ठीक है और अगर आपको पूछना है कि जो आपने आंसर लिखा है वो चलेगा या नहीं सो यू कैन ई मी एंड आस्क मी इफ दिस इज एन एक्सेप्टेबल आंसर अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं बता दूंगी

तो कौन सा नहीं रिड्यूस हो सकता आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं रिड्यूस हो सकता क्योंकि बाकियों की तो हमने जैसे भी इक्वेशन देखी है, तो बाकी तो नहीं है आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा फिल इन द अच्छा का मतलब calcination, और का मतलब कार्बोनेट रोस्टिंग प्रोसेस क्योंकि जो जिंक होता है

And let us all learn together. For any doubts and concerns, you can always reach out to me at psclassesicse at gmail.com and stay tuned for more content.